तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको आरबीएल बैंक प्ले क्रेडिट कार्ड का रिव्यू देने जा रहा हूँ। ये क्रेडिट कार्ड उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनको मूवी देखने का बहुत ज्यादा शौक है, या वो लोग जो अक्सर बुक माई शो से लाइव इवेंट बुक करते हैं, स्पोर्ट इवेंट बुक करते हैं, उनके लिए काफी फायदेमंद है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि इस क्रेडिट कार्ड में आपको क्या क्या बेनिफिट एंड फीचर मिल जाते हैं, क्या इस क्रेडिट कार्ड के फी एंड चार्जेस हैं, क्या इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको चाहिए और आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड में आपको क्या फीचर्स एंड बेनिफिट मिल जाते हैं। तो दोस्तों फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले आता है कि इस क्रेडिट कार्ड में आपको क्या एक्टिवेशन बोनस मिलता है, या फिर यूं कहें कि आपको क्या वेलकम ऑफर इस क्रेडिट कार्ड पर मिल जाता है। दोस्तों क्रेडिट कार्ड के इशू होने के 30 दिन के अंदर अगर आप इस क्रेडिट कार्ड पर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको ऐसे में ₹500 का ऑफ मिलता है बुक माई शो पर, जिससे कि आप मूवी के टिकट भी बुक कर सकते हैं, लाइव इवेंट भी बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 200 बुक माई शो पॉइंट्स मिलते हैं का इस्तेमाल आप कर सकते हैं मूवी की टिकट बुक करने के लिए, लेकिन ये दोनों ऑफर जो हैं, जो आपको 500 ऑफ हो रहा है, एक साथ क्लब नहीं हो सकते हैं, उनको आपको अलग से इस्तेमाल करना पड़ेगा, या फिर फूड और बेवरेजेस मूवी के दौरान आप ऑर्डर करते हैं तो उनके लिए उन पॉइंट्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तो थे इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बोनस। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड पर आपको और क्या क्या बेनिफिट मिल जाता है। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पर जब भी आप एक महीने में ₹5,000 खर्च करते हैं तो ऐसे में आपको दो मूवी के टिकट मिलते हैं, ईच ₹250 का है, तो आपको टोटल ₹500 का डिस्काउंट हो जाता है जब भी आप मूवी के टिकट बुक करते हैं या फिर कोई लाइव इवेंट बुक करते हैं। लेकिन जो 5,000 का क्राइटेरिया जो आपको एक महीने में पूरा करना है, उसमें कुछ ट्रांजैक्शन को कंसीडर नहीं किया जाता है, जैसे कि वॉलेट लोड हो गया, रेंट पेमेंट हो गया, कैश विड्रॉवल हो गया, यूटिलिटी का पेमेंट हो गया, या फिर गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए कोई पेमेंट हो गया। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से कोई मूवी टिकट बुक करते हैं तो आपको यहाँ पर ₹100 का डिस्काउंट मिलता है जब भी आप मूवी के साथ में कोई फूड और बेवरेजेस ऑर्डर कर रहे होते हैं। साथ ही साथ इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 1% का फ्यूल चार्ज वीवर मिल जाता है जब आप इस क्रेडिट कार्ड से ₹500 से लेकर ₹4,000 के बीच में कोई भी फ्यूल स्टेशन पर जाकर कोई ट्रांजेक्शन करते हैं। उस दौरान मैक्सिमम जो आपको फ्यूल सरचार्ज वीवर मिल सकता है वो ₹100 तक का एक महीने में मिल सकता है। तो दोस्तों ये तो थे इस क्रेडिट कार्ड में मिलने वाले फीचर्स एंड बेनिफिट। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड पर आपको क्या फी एंड चार्जेस लगने वाले हैं। दोस्तों मेंबरशिप फी या फिर कहें कि ज्वाइनिंग फी इस क्रेडिट कार्ड पर ₹500 प्लस GST आपको लगती है, लेकिन उसी के बदले में आपको यहाँ पे ₹500 का ऑफ मिल जाता है बुक माई शो के ऊपर, और 200 पॉइंट अभी फिलहाल मिल रहे हैं बुक माई शो कैश के, लेकिन ये अभी लिमिटेड ऑफर है, इस दौरान आपको ये मिल पा रहे हैं। एनुअल फी भी इस क्रेडिट कार्ड की ₹500 प्लस GST है, लेकिन अगर आप एक साल में ₹1,50,000 इस क्रेडिट कार्ड पर खर्च करते हैं तो आपकी एनुअल फी भी ऑफ हो जाती है। लेकिन अभी सुनिए, इस क्रेडिट कार्ड पर अभी एक और ऑफर चल रहा है, लिमिटेड ऑफर है, जो कि कभी भी खत्म हो सकता है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अभी अप्लाई करते हैं और इस क्रेडिट कार्ड पर कोई भी 10 ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, कितने भी टाइम में कर लें, तो आपकी एनुअल फी हमेशा के लिए माफ हो जाती है। लेकिन जो ₹1,50,000 आपको एक साल में खर्च करने हैं, जिसकी वजह से आपकी जो एनुअल फी है वो माफ हो जाती है, उसमें EMI परचेसेस या कैश विड्रॉल को कंसीडर नहीं किया जाता है। एड ऑन क्रेडिट कार्ड, इस क्रेडिट कार्ड पे आप एकदम फ्री में बनवा सकते हैं। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का कैश में पेमेंट करते हैं तो ऐसे में आपको ₹100 प्लस GST के चार्ज लगते हैं। दोस्तों अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल करते हैं तो ऐसे में आपको 2.5% के चार्ज लगते हैं, और मिनिमम आपको ₹500 तो यहाँ पे लगने ही लगने। उसी तरह से अगर आप इस क्रेडिट कार्ड पे ओवर लिमिट ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी कि आपकी लिमिट से ज्यादा का ट्रांजेक्शन करते हैं, उस कंडीशन में भी आपको 2.5% के यहाँ पे चार्ज लगेंगे, या फिर मिनिमम आपको ₹500 लगने ही लगने हैं। अब बात करें इस क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले इंटरेस्ट रेट की। जब आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरते हैं तो आपको यहाँ पर 3.99 पर मंथ के इंटरेस्ट रेट लगने वाले हैं, जो कि साल की बात करें तो 47.88% पर NM के होते हैं। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको EMI प्रोसेसिंग फी भी लगती है, जो कि 199 प्लस GST होती है, 199 प्लस GST लगेगा जब भी आप किसी भी ट्रांजेक्शन को EMI में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके साथ साथ इस क्रेडिट कार्ड पर आपको 1% का रेंट पेमेंट का चार्ज लगता है। अगर करें फॉरेक्स चार्जेस की, तो इस क्रेडिट कार्ड पर आपको 3.5% के फॉरेक्स चार्ज भी लगते हैं। अब बात करते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड पर लेट पेमेंट फी कितनी लगती है। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पर लेट पेमेंट फी जो होती है, आपकी टोटल आउटस्टैंडिंग की 12.5% लगती है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरते हैं या फिर बिल भरने में लेट करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको जो लेट पेमेंट फी लगने वाली है, जो आपकी आउटस्टैंडिंग होगी, उसका 12.5% लगेगी। मिनिमम ₹5 और मैक्सिमम ₹1,300। ₹1,300 से ज्यादा आपको लगेगी नहीं और ₹5 से कम आपको लगेगी नहीं, अगर आपकी कुछ भी आउटस्टैंडिंग है तो। तो दोस्तों ये तो थे इस क्रेडिट कार्ड के फी एंड चार्जेस। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। आपकी जो उम्र है वो 21 साल से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। आप इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए। आपके पास एक ID प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ और एक इनकम प्रूफ होना चाहिए, तो आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए आप जो है RBL की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, लेकिन वेबसाइट भी आपको बुक माई शो के ऐप पर रेफर कर देगी। वहां पर आपको अपनी बेसिक डिटेल, प्रोफेशनल डिटेल डालनी रहेगी, उसके बाद
बाद वीडियो केवाईसी होगी, फिर आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए मैं आने वाले टाइम में, यानी कि जो अगला वीडियो मेरा होगा, उसमें डिटेल में बात करूंगा और पूरा प्रोसेस आपको लाइव करके दिखाऊंगा। हालांकि मैं अप्लाई करने का वीडियो अभी बनाने वाला था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए कि जिस क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, क्या फी एंड चार्जेस हैं। तो इसलिए ये वीडियो मैंने आपके लिए आज बना दिया है। अगला वीडियो हाउ टू अप्लाई के बारे में होगा इस क्रेडिट कार्ड के लिए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अब मुलाकात होगी आने वाले किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें कोई नई टेक्निक।